आफ्टरनून गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, काजल डॉट विकास। तो मैं बोलने जा रही थी कि आज मतलब मेरा छोटा बेबी है, उसी का कुछ कपड़े का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को मेरा बाबू का कपड़ा सब। मेरा बाबू का कपड़ा आप लोग देख सकते हैं, बस इतना ही कपड़ा है अभी। तो देखिए मेरा बाबू का कपड़ा अभी आप लोग को एक एक करके दिखाऊंगी, ठीक है? मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये है बाबू का कपड़ा, देखिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा है, ठीक? और इसका ये है चेक। अब ये रहा, ये और ये है, और इसका मैचिंग ये है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसा कपड़ा है। आप लोग बताते जाइएगा कमेंट में, आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। ये तो परसों ही मंगाई हूँ, देखिए कैसा है। इसका जन्मदिन आने वाला है इसलिए मंगाई हूँ। इसको क्या कहते हैं, हॉट पैंट। बहुत शौक था पहनाने के लिए, इसलिए भगवान माता रानी कृपा से दे भी दिया शौक पूरा करने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी कि जब घर में छोटा बेबी आएगा तो पहनाऊंगी। देखिए गाइस कैसा है, मेरे को तो बहुत मस्त लग रहा है। और ये है इसका सेट, अब गाइस अब ये दिखा रही हूँ इधर का। ये देखिए गाइस कैसा है, मीशो से मंगाई हूँ, मस्त है ना, मस्त लग रहा है टिक्की वाला। ये तो बहुत दिन से सोच रही थी कि जब घर में छोटा सा बेबी आएगा तो पहनाऊंगी। भगवान तो दिया था छोटा सा बेबी, बस लड़का दे दिया था ना, तो वो तो नहीं पहन पाया। कोई बात नहीं, वो भी पहन रहा है। माता रानी कृपा से एक छोटा सा बेबी लड़की भी हो गया उसको पहनाने के लिए। बहुत दिन से सप्ताह मीशो में देखती थी कि मंगाऊंगी, बट इसका दादी लेके आ गई खरीद के। मैं तो उतना कपड़ा नहीं लाई हूँ, उसकी दादी सारा खरीद करके लाई है। अच्छा लगता है, जाती है, अच्छा लग रहा है, उठा के लेके आ जाती। और ये पापा दे रहे हैं, इसका पापा लाया है, जब 2 मिनट का हुई थी तभी। देखिए गाइस मस्त लग रहा है भी। और ये उसके बड़े पापा, ये लाए हैं उसके बड़े पापा, ये भी 2 मिनट में ही है। ये भी देखिए, ये तो पहना चुकी हूँ, दो बार पहन चुकी है ये, बट ये नहीं पहनी है, इसको भी पहनाऊंगी 4 तारीख को। मतलब 3 मंथ पूरा हो जाएगा इसका, हाँ 3 मंथ पूरा हो जाएगा, 4 तारीख को इसको पहनाऊंगी। इसको पहनाऊं या तो हॉट पैंट पहनाऊं, आप लोग कमेंट में बताइएगा जल्द से जल्द मैं कौन सा पहनाऊं तीनों में से, ठीक? आप लोग बताइएगा गाइस कि कौन सा मेरे को पहनाना है, तो मैं वही पहना दूंगी। और ये भी इसका पापा ही मीशो से मंगाए हैं, ये भी बिल्कुल न्यू है, अभी नहीं पहनी है। तो इसका पापा ये वाला मंगाए हैं मीशो से। आप लोग देख सकते हैं कैसा है, बहुत मस्त लग रहा है एकदम छोटा छोटा सा। अब आ गया इस पे, देखिएगा इसके कैसा लग रहा है। मेरी बेटी पहनेगी तो गुड़िया लगेगी, गुड़िया एकदम क्यूट।
ये तो मैं लाई थी खरीद के, इसके हैंड पे वर्क किया हुआ। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मस्त लग रहा है डिजाइन इसका। बट मैं तो नहीं पहनी हूँ, इसलिए मैं नहीं पहनी हूँ तो क्या हो गया, मेरा बेटी तो पहनेगी, इसलिए मैं बेटी को सारा शौक पूरा करूँगी, सारा शौक जितना वो भी सके माता रानी की कृपा से, उतना जितना भी पूरा शौक करूँगी उसका, सारा शौक पूरा करूँगी। मेरे समय में तो बहुत गरीबी था, इस कारण से तो उतना मतलब हो तो गया, मेरा भी सारा शौक पूरा ही हुआ है, मतलब मेरा बेटी का तो पूरा ही करूँगी, जो मांगेगी सो दूंगी। ये छठ में लाए, हाँ ये भी बात है कि जो मांगेगी वो दूंगी, लेकिन हद से भी ज़्यादा नहीं कि हाँ वो माथा में चढ़ जाए तो मांगेगी, तो वो बात नहीं है, बट दूंगी उसको भी दूंगी। ये छठ में देखिए ये इसकी दादी लाई है छठ में, बट ये छोटी बहुत छोटी थी ना उस समय, तब हुई थी, हुई थी ना दीपावली में हुई है लक्ष्मी, इसीलिए तो लाई थी इसकी दादी। इसकी दादी को भी बहुत शौक था ना कि घर में एक लड़की आएगा तो पहनाऊंगी, मतलब इसका दादी मतलब पूरा परिवार को ही शौक था कि घर में एक लड़की आए, एक छोटी सी आए तो उसको मैं पहनाऊंगी। मार्केट जाती थी गाइस तो बहुत सारा कपड़ा देखती थी, बहुत सारा ही, देखने में बहुत अच्छा लगता था। कोचिंग जाती थी सब पढ़ने के लिए तो देखती थी तो गाइस इतना अच्छा लगता था, सोचती थी कि अब खरीद लो अब खरीद, लेकिन माता रानी वो भी पूरा कर दिया। अब माता रानी की कृपा से वो भी मैं खरीद के लेके आ जाती हूँ, मैं क्या पूरा जो जिसको भी अच्छा लगता है वो खरीद के लेके आ जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा गाइस कि कैसा लगा कपड़ा। तो बस इतना ही कपड़ा था गाइस, आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी तो इतना कपड़ा खरीदी नहीं हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड के कारण ठंडी का ही कपड़ा पहन रही है अभी, और जब गर्मी आ जाएगा तो मैं और बहुत सारा कपड़ा खरीदने वाली हूँ, क्योंकि अभी इसका शॉपिंग बाकी है, शॉपिंग करूँगी फिर ये शॉपिंग करके, क्योंकि कहीं जाना है, कहीं मैं बता दूँगी कहाँ जाना है, उसके लिए अभी शॉपिंग करना बाकी है, अभी मैं करूँगी शॉपिंग, मेरा अभी शॉपिंग नहीं हुआ है, और इसका पापा का भी शॉपिंग नहीं हुआ है, और इसकी मतलब बुआ जो है ये भी जाएगी गांव, इसका कुछ मतलब थोड़ा बहुत हो गया है शॉपिंग, इसका शॉपिंग वाला सामान मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और ये रही मेरी मम्मी, देखिए आप लोग को, देखिए देखो गाइस कैसे बात कर रही है, छोटी हूं मैं, इसके बारे में बोल रही है कि गांव जाएगी तो इसके ये एक लड़का देख लीजिए, देख लेना कैसा लगता है। तो मैं गांव जा था नहीं नहीं गाइस, इसको गांव में शादी नहीं कराऊंगी, यहीं कराऊंगी क्योंकि ये शहर में पली है, इसलिए यहीं पे कराऊंगी गाइस, आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तो आप लोग बताइएगा गाइस कि कमेंट में कौन सा मेरे को पहनाना है बाबू को कपड़ा, 4 तारीख को बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी। मैं अपना टॉप कलेक्शन दिखाऊंगी, और बहुत जल्दी मैं अपना टॉप कलेक्शन दिखाऊंगी, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो गाइस मैं भी जाऊंगी परसों या तरसों जाऊंगी मैं भी अपना मतलब कपड़ा, हाँ कपड़ा सब लेने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, कहीं जाने वाली हूँ, मैं बताऊंगी आपको बाद में। वो ट्रिप बहुत मस्त रहेगी, आपको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर देखिएगा। बट मैं भी जाऊंगी, मेरे हस्बैंड जाएंगे, मतलब मेरी ननद जाएगी और मेरे बाबू जाऊंगी, तो आप लोग को पूरा रास्ता तक पूरा दिखाते जाऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आप लोग गैस कीजिए हम जा कहाँ रहे हैं, आप कमेंट जल्दी कीजिएगा। तो गाइस फिर मैं जाऊंगी तो परसों जाऊंगी ना तो कपड़ा खरीदने के लिए, तो मैं और ये हमारा शैतान डुगू और ये रहा अभी इसका भी कपड़ा का कलेक्शन दिखाया जाएगा इनके चैनल वेदांत द फैमिली ब्लॉग, आप लोग देख लीजिएगा वेदांत द फैमिली व्लॉग, क्योंकि वे लोग इसका पापा भी उसमें बनाते हैं, मतलब मेरे भैया भी बनाते हैं। अभी इसका कपड़ा का कलेक्शन होगा ना बाबू, बोल दो हाँ बोल पापा पापा बोले पापा के शेयर को।